1916 में बना मैक्रोबर्ट हॉस्पिटल धीरे धीरे करके अपने आखिरी दिने गिनने लगा है, लेकिन प्रशासन ने इस हॉस्पिटल को फिर से तैयार करने की भूमिका बनाई है और अब इस अस्पताल के दिन बहुरने लगे हैं। बता दें कि अस्पताल में ओपीडी और वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हुई है। इसके साथ ही यहां पर केपीएम अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर को शिफ्ट किया गया है, लेकिन प्रचार प्रसार ना होने की वजह से यहां पर अभी बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कल यहां पर 1000 वैक्सीनेशन होने थे, मगर प्रचार ना होने की वजह से सिर्फ लगभग 150 लोग ही पहुंचे। आज यहां पर 600 लोगों की वैक्सीन लगाई जानी है। हाँ, यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कुल 600 लोगों को लगना है, दो कमरों में लग रहा है अभी। अब थोड़ा सा काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बर्रा से कुछ लोग आए हैं, रावतपुर से भी आए हैं और गोल टोली से भी आए हैं और इधर आपके लाल बंगला से भी आए हैं। पेपर्स में दिया जा चुका था, इसलिए अब आ रहे हैं दूर दूर से लोग। मेगा कैंप था कल, 154 लोगों को लगा था, 1000 लोगों को लगना था। प्रचार प्रसार धीरे धीरे हो रहा है। अंग्रेजों के समय का मैक्रोबर्ट हॉस्पिटल के दिन अब धीरे धीरे करके बहुरने लगे हैं। यहां पर ओपीडी और वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। केपीएम हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर था, उसको अब यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। वीडियो लिस्ट नीरू मिश्रा से कहेंगे दिखाएं कि यहां पर अब धीरे धीरे करके लोग पहुंच रहे हैं, जो लगभग 10 सालों से ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पर बस कर्मचारी आते थे, उनकी भी तनख्वाह अभी तक नहीं मिल पा रही है। इसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद परेशान है, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे करके लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन हो रहा है और इस सेंटर को स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में तैयार करने की प्रशासन ने योजना बनाई है। अब देखना यह है कि इसको कब तक तैयार किया जाता है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी जो तनख्वाह है जो रुकी पड़ी है, वो भी अपने माली हालातों से जूझ रहे हैं, उनको कब दी जाती है। वीडियो लिस्ट निरुमिशा के साथ अपना शुक्ला जेएमडी न्यूज़ का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।